तो अभी हम शुरू करते हैं, रैंडम नंबर के बारे में सीखते हैं, किस तरह रैंडम नंबर जनरेट कराते हैं। तो यहाँ पे एक और फाइल ऐड करेंगे, CSTD lib, ठीक है, ये फाइल को हम ऐड करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस STD, इसके बाद इंटीजर मैन लिखेंगे, ब्रैकेट्स को ओवर करेंगे, सी आउट एंड लाइन करेंगे, सिस्टम को यहाँ पे पास करेंगे, और यहाँ पे रिटर्न 0 करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपके फोल्डर में जाके हम फाइल को सेव कर रहे हैं। रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए जो फंक्शन हम यूज करने वाले हैं वो रैंड है, जो कि हमें इस हेडर फाइल में मिलता है। ये ऐड करा लिए तो हम फंक्शन कैसे यूज करेंगे? फंक्शन तो सिंपली हम ऐसे लिख लेंगे, लेकिन अब ये जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा इसको हम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का, जैसे नम के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर इस नंबर को स्टोर करा लेंगे। तो देखो नम अभी खाली है, और नम के अंदर स्टोर करा रहे हैं, तो नम असाइनमेंट और आगे लिख देंगे ये फंक्शन। अब हम इसका आउटपुट लेते हैं नम का, जो हमारा वेरिएबल है। तो जैसे हम जाके इसका आउटपुट लेंगे अगली लाइन पे, सी आउट NUM नम एंड लाइन, तो यहाँ पे रन करते हैं प्रोग्राम को। तो देखें इसने एक वैल्यू रैंडमली जनरेट करी है, और इसका नाम वैल्यू है 41। ठीक है, समझ में आई? लेकिन ये एक नंबर तो जनरेट हो गया रैंडमली, रैंडम का मतलब खुद से, लेकिन हर दफा यही होगा। ये देख, दूसरा नहीं आएगा, भले हम इसका 3 दफा आउटपुट ले लें, तीनों दफा में यही नंबर आएगा। और यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरह। आप चाह रहे हो कि नहीं सर, ये हर दफा कोई नया नंबर जनरेट करे, उसमें एक और फंक्शन है एस रैंड, और एक और हेडर फाइल ऐड करेंगे सी टाइम। उसको कैसे करेंगे, हर दफा एक नया नंबर जनरेट करें? तो देखिए इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करके कर लेते हैं। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ, क्लास 14, डिफरेंट रैंडम नंबर, ठीक है, सेव। अब इसमें हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, सारा प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा, इसमें हम सिर्फ ये चेंज करेंगे कि यहाँ पर एक तो एक फाइल और ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड सी टाइम, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने ये वेरिएबल लिया नम, तो यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे टाइम फंक्शन। टाइम फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से टाइम फंक्शन को आर्गुमेंट पास करेंगे 0। अभी टाइम फंक्शन 1970 से टाइम काउंट करता है, और हर सेकंड में अपडेट होता रहता है, तो हर सेकंड में अपडेट होता रहता है, तो वैल्यू चेंज करता रहता है। तो वो यहां से एक वैल्यू पास करेगा इसको। फिर यहां पर हम एस रेंड फंक्शन यूज करेंगे, और ये जो नम में जो वैल्यू आएगी वो असल में कहलाएगी सीड वैल्यू। सीड वैल्यू का मतलब इनिशियल वैल्यू, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होगी उसको ये रैंडमली घुमा देगा। और फिर हम नीचे आके यहाँ पे आउटपुट लेंगे रेंड वाले फंक्शन का। तो आप देखेंगे मैं तीनों दफा पर रेंड वाले फंक्शन का आउटपुट लूंगा, और आप यहाँ नोट करेंगे तीनों बार एक नया नंबर ये जनरेट करेगा, और 3 के बाद अलावा भी 10 बार और करेंगे तब भी यही करेगा ये। देखा आपने? अच्छा, आप बंद करते हैं प्रोग्राम, फिर हम रेंडमली चलाते हैं। हर दफा अलग अलग प्रोग्राम दे रहा है, आप नोट करें, सही है? अच्छा, अब ये आपने दूसरा तरीका सीख लिया किस तरह रैंडम नंबर डिफरेंट किस तरह से कराते हैं। बस करना क्या है कि भाई एक ये फाइल ऐड करनी है जिसमें हमें ये फंक्शन मिलेगा, इसको आर्ग्यूमेंट 0 देना है, ये वैल्यू स्टोर करानी है एक वेरिएबल में, उसको कहेंगे सीड वैल्यू, उसको एस रैंड फंक्शन से रैंडम करा लेंगे, और सी आउट करके रैंडम फंक्शन को जैसे ही आउट करेंगे तो हर दफा रैंडम नंबर आए। अब आपका दिल चाह रहा होगा सर इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लें, हम जो वैल्यू करवाएं रैंडमली, जैसे अब ये जो वैल्यू आ रही है ये तो अपनी मर्जी से दे रहा है, हम चाह रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक के दरमियान में कोई रैंडम नंबर बना के दे, या हाँ रेंज, या 100 से लेके 200 के दरमियान में कोई रैंडम नंबर बना के दे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को फॉलो करना है। वो फार्मूला क्या है ये देखें, इसको हम सेवेस कर देते हैं प्रोग्राम को, और क्लास 15 के नाम से रैंडम नंबर
बिटवीन रेंजेस, ठीक है, ये फाइल बना दी, सारा सेम रहेगा, सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना है वो ये है। फॉर्मूला आपने ये लिखना है कि यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लें, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर और नम वन के नाम से ले लेते हैं, ठीक है, और उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो कर देते हैं, और एक इंटीजर ले लेते हैं नम टू के नाम से, और उसकी वैल्यू भी हम जीरो कर देते हैं, ठीक है, दो रैंडम नंबर, अच्छा तीसरा भी है तो तीसरा भी ले लें, इंटीजर नम थ्री ले लें, तीन रैंडम नंबर अपने हिसाब से करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके पहले एक पे समझ लो, एक पे ही कर लेते हैं। अब उसमें क्या करना है हमें, देखिए उसमें हमें फार्मूला यू बनाना है कि हमें यहाँ लिखना है नम वन ब्रैकेट स्टार्ट एंड ओवर, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेंड, ठीक है, यहाँ पे लगाना है मोड ऑपरेटर मॉड्यूलस, ठीक है, और यहाँ पे हमें बतानी है क्या फार्मूला बताना है, फार्मूला देखें ये मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस वन, और बाहर में माइनस मिन वैल्यू, याद कर लें फार्मूला क्या है, मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर प्लस मिन वैल्यू, तो ठीक है मैक्स और मिन वैल्यू के दो कांस्टेंट बना लेते हैं या इसके भी वेरिएबल ले लें, तो यहाँ हमने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, मिन वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसमें रख दी हमने एक, ठीक है, कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, मैक्स वैल मैक्स वैल्यू उसके अंदर क्या डिक्लेयर कर दिया 10, सही, कैसे लिखेंगे यहाँ पे क्या बताया मैंने, दो ब्रैकेट्स, सही है, और यहाँ पे लगाएंगे कहाँ चला गया, ऊपर था ऊपर, सही, यहाँ पे नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रहने देंगे, ओके, यहाँ पे लगाएंगे मॉड ब्रैकेट मिन वैल्यू ऐसे ही मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे माइनस मिन वैल्यू, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, प्लस मिन वैल्यू करना, ठीक है, प्लस मिन वैल्यू, ओके, और ये वाला ब्रैकेट जो है यहाँ पे ओवर करेंगे, ये वाला ब्रैकेट यहाँ ओवर हो गया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ ओवर हो गया, इधर आ गया, ये फंक्शन याद कर लें, यानी कि हमने दो कांस्टेंट डिक्लेयर किए 1 और 10, ये दो रेंजेस हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि ये 1 और 10 के दरमियान में कोई रेंडम नंबर जनरेट करे तो इसको ऐसे लिखना है, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेनी है उसका नाम वो इंटीजर होना चाहिए, फिर उसके आगे फंक्शन लिखना है रेंड, यानी कि दो ब्रैकेट्स के अंदर, फिर रेंड के आगे मॉड ऑपरेटर, फिर ब्रैकेट लगाने दो, उसमें मैक्स वैल्यू यानी कि जो बड़ी वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे मिन वैल्यू, उसमें प्लस करेंगे 1 और फिर आउटसाइड जब ये सॉल्व हो जाएगा तो प्लस करेंगे मिन वैल्यू, फिर हम आगे लेते हैं सी आउट लेस देन नम 1 और लेस देन एंड लाइन, तो देखें 1 से लेके 10 के दरमियान का कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, क्या जनरेट किया 5, ठीक है, अब देखिए 4, अब देखें सही है, हर दफा एक नया नंबर आ रहा है लेकिन वो अपनी रेंज के अंदर से आ रहा है, रेंज के बाहर से नहीं आ रहा, अब रेंज बढ़ाएं, हम कहते हैं 100 से 200 के दरमियान में, तो 100 से 200 के दरमियान में कैसे करेंगे, 100 लिखेंगे यहां पे और 200 लिखेंगे, और अब देखिए सही है, समझ में आ गई, अच्छा अब इसी तरह का एक गेम बना लें आप, लूडो का गेम होता है जैसे, जिसमें दो डाइस होते हैं, अब हम दो डाइस चलें लूडो खेल रहे हैं, चल भाई तेरी बारी, तो दो डाइस कैसे चलेगा वो, अब इसको हम फार्मूले को क्या करते हैं, यहाँ एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर नम टू, ठीक है, और इसी पूरे फंक्शन को ऐसे कॉपी करेंगे और नीचे करके क्या करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे क्या लिख देंगे नम टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं 1 से लेके 6, ठीक है, और आउटपुट भी कितने करा देंगे दोनों का, तो चले पहली बारी कांतेश ने चली, अच्छा इसमें क्या एरर आ गया, ये सेमी कॉलन नहीं लगा, ये देखिए पहले कांतेश ने बारी चली, इसके क्या आए दो छक्के आ गए, ठीक है, फिर से चलाया डाइस को 5-4 आ गया, इसने अपनी बारी चल ली, अब बारी आ गई किसकी, सुभान अल्लाह की, सुभान अल्लाह ने चलाए
छः तीन आ गया। अब इसकी बारी आ गई, क्या नाम है, 4-5 नंबर आ गए, देख रहे हैं। तो हर दफा में अलग नंबर जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह जितने भी आप गेम देखते हैं, लूडो का, ताश का, जिसमें ऑटोमेटिकली पत्ता चेंज हो जाता है, रैंडमली नंबर चेंज होते हैं, तो वो रैंडम नंबर के जरिए चेंज हो रहे थे। पीछे ये वाली टेक्निक चल रही होती है। ये फार्मूला याद कर लें कि रेंज में से अपना रैंडम नंबर बनाने का फार्मूला क्या है, क्या है, रैंड मॉड ऑपरेटर मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू प्लस वन और प्लस मिन वैल्यू, और अपनी वैल्यूज यहाँ रेंज जो बताएंगे उसके दरमियान में से नंबर बना देगा।